हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सृष्टि खेड़ा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, इस MBBS अब्रॉड अ वे टू अ ब्राइटर फ्यूचर। सबसे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, आई वांट यू टू लाइक दिस वीडियो एंड इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल मेक श्योर टू सब्सक्राइब इट। स्टार्ट करते हैं कि MBBS अब्रॉड हमारे फ्यूचर पर क्या इम्पैक्ट डालने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के मन में ये डाउट होता है कि हाँ, हम MBBS अब्रॉड से कर लेंगे, बट इंडिया आने के बाद क्या होगा, क्या हमारा करियर होगा, क्या हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, ताकि आपके दिमाग में भी अगर ऐसे कुछ डाउट्स हैं तो वो क्लियर हो जाएं। तो देखो, होता क्या है कि जैसे ही आप MBBS अब्रॉड को चूज़ करते हो, आपके चाहे वो पेरेंट्स हों या रिलेटिव्स हों, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप बहुत बड़े डॉक्टर बनने वाले हैं। एंड इट इज़ एक एक्सपेक्टेशन एज अ पेरेंट या एज अ रिलेटिव होती है लोगों की, और आपके पास भी एक ये बर्डन हो जाता है कि जब हम अब्रॉड से वापस आएंगे MBBS करके, हम इंडिया में आने के बाद क्या करेंगे, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ मनी हो, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ जॉब हो। एक होता है कि हम आने के बाद क्या करेंगे, और MBBS अब्रॉड के बारे में ना ऑलरेडी बहुत सारे मिथ्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले उन मिथ्स को बस्ट करने के लिए। लोग कहते हैं कि अगर आप MBBS अब्रॉड करके इंडिया आ रहे हैं तो आपको कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी। तो ये एक मिथ है। आप ये मत सोचिए कि आप अब्रॉड से करके आ रहे हैं और अगर किसी ने इंडिया से करी है तो इंडिया वाले को प्रेफरेंस मिलेगी। इट इज़ नॉट लाइक दैट। पहले ऐसा होता था कि अगर आपने इंडिया से MBBS करी है, चाहे वो प्राइवेट से हो या फिर गवर्नमेंट से हो, आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना होता था। लेकिन लास्ट ईयर जो NMC बिल पास हुआ है, अब ये NMC बिल पास हुआ तो उसके बाद क्या चेंजेस आए? NMC बिल पास होने के बाद ये चेंज आया है कि जो भी स्टूडेंट्स MBBS करेंगे, चाहे वो इंडिया से करें या फिर वो अब्रॉड से करें, दोनों ही सिनेरियो में आपके लिए एग्ज़ाम होगा और दोनों को ही वो एग्ज़ाम देना पड़ेगा, चाहे आप इंडिया के गवर्नमेंट से कर लीजिए, इंडिया के प्राइवेट से कर लीजिए या फिर अब्रॉड से कर लीजिए। तो चाहे आप इंडिया से करें, प्राइवेट से, गवर्नमेंट से या फिर आप MBBS अब्रॉड करें, आपको ही ये एग्ज़ाम देना ही देना है। अब ये एग्ज़ाम है किस लिए और गवर्नमेंट ने सडनली ये रूल्स क्यों चेंज किए हैं? देखिए, होता क्या था, पहले इंडिया में अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट की कट ऑफ बहुत हाई जाती है। इट गोज़ नियरली 580-600, इतनी कट ऑफ जाती है जो बहुत ही कम स्टूडेंट्स लेके आ पाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स ही इतने सारे हैं। अगर मैं बात करूँ, 17-18 लाख स्टूडेंट्स हैं, एंड इफ़ आई कंपेयर टू नंबर ऑफ सीट्स, इट इज़ हार्डली 50,000। तो इतना जो रेशियो डिफरेंस है, उसकी वजह से बहुत ही कम स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट सीट मिल पाती थी। अब बाकी की जो सीट्स थी, चाहे वो डीम्ड यूनिवर्सिटी हो या प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, मैनेजमेंट कोटा पे या फिर जिनके मार्क्स कम होते थे, वो पे करके वो सीट ले पाते थे। काउंसलिंग के थ्रू ही उनको मिल जाती थी, बट इफ़ यू हैव दैट पेइंग कैपेसिटी, अगर आपके पास उतनी पेइंग कैपेसिटी नहीं होती थी तो आप लोग MBBS अब्रॉड चूज़ करते थे। अब डिफरेंस कहाँ पर आता था, जो बच्चे के पास पेइंग कैपेसिटी थी, चाहे उनका इंटेलेक्ट आपसे कम हो, आई एम सॉरी टू से बट ऐसा होता था, चाहे उनका इंटेलेक्ट आपसे कम हो, उनको कोई एग्ज़ाम नहीं देना होता था, उनको डायरेक्टली इंटर्नशिप मिलती थी और डायरेक्टली लाइसेंस भी मिलता था। और जो अब्रॉड से MBBS करते थे, जस्ट बिकॉज इट डिड नॉट हैव दैट मच ऑफ पेइंग कैपेसिटी, उनको इंडिया में आने के बाद FMGE का एग्ज़ाम देना होता था। लेकिन NMC बिल पास होने के बाद से ये हो गया है कि जो इंडिया से MBBS करेंगे, चाहे प्राइवेट से या गवर्नमेंट से, या फिर जो स्टूडेंट अब्रॉड से MBBS करेंगे, सबको एक लाइसेंसिंग एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। वो एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपको इंटर्नशिप मिलेगी और उसके बाद आपको फिर रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस मिलेगा। उस एग्ज़ाम को पास किए बिना आप इंटर्नशिप ही नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, फिर चाहे आपने इंडिया से MBBS करी हो या फिर आपने अब्रॉड से MBBS की हो। यहाँ पे मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि गवर्नमेंट ने ये जो डिसीजन लिया है NMC बिल के थ्रू अपनी क्वालिटी ऑफ डॉक्टर्स को इम्प्रूव करने के लिए, क्या आपको ये सही लगता है या फिर आपको ये गलत लगता है? इफ़ यू सपोर्ट दिस, कमेंट विद अ येस। इफ़ यू डू नॉट सपोर्ट दिस, कमेंट विद अ नो। आई वॉन्ट यू गाइज कि आप अभी ये वीडियो पॉज करें और अभी जा करके ये कमेंट करें कि हाँ ये सही है या फिर ये सही नहीं है आपके अकॉर्डिंग। मैं अगर अपना ओपिनियन बताऊँ यहाँ पे, इट इज़ जस्ट माय ओपिनियन, इट इज़ नॉट पर्सनल टू एनीवन। आई वुड से कि अब होगा क्या,
अब होगा ये कि चाहे वो इंडिया के जो डॉक्टर्स हैं या चाहे वो अब्रॉड के डॉक्टर्स हैं, कहीं से भी आप पढ़ाई करके आ रहे हैं, तो एट द एंड आपका एक स्किल टेस्ट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी के पास पेइंग कैपेसिटी है तो वो डॉक्टर बन गया, और जिसके पास पेइंग कैपेसिटी नहीं है वो अब्रॉड से MBBS करके आ रहा है तो उसको ही सिर्फ ये टेस्ट देना पड़ रहा है। अब सबको ही ये टेस्ट देना पड़ रहा है, तो इससे होगा क्या कि जितने भी डॉक्टर्स हमारी कंट्री में आएंगे वो ऑलरेडी उस स्किल टेस्ट को पास करके आए हैं। दैट मीन्स चाहे वो गवर्नमेंट के हों, प्राइवेट के हों, अब्रॉड के हों, सबके सब एक स्टेप जो है वो क्रॉस करके आए हैं। इसका मतलब ये है कि द क्वालिटी ऑफ डॉक्टर दैट वी वुड गेट वुड बी यू नो फाइन ट्यून। उसमें कोई ऐसा एक्सेप्शन नहीं रहेगा कि अगर आपने प्राइवेट चूज कर लिया, अगर आपके पास पेइंग कैपेसिटी है तो आप बच गए हो एग्ज़ाम देने से और आपको डायरेक्टली इंटर्नशिप या लाइसेंस मिल गया। इस केस में MBBS अब्रॉड जो स्टूडेंट्स ने कर रहे हैं अभी या करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। उनके लिए एडवांटेज ये है कि सबसे पहले तो उनके और इंडिया के बीच में कोई डिफरेंस नहीं रहा। पहले एक माइंडसेट रहता था, जो स्टूडेंट्स MBBS अब्रॉड चूज़ करते थे उनके माइंड में हमेशा रहता था कि जो लोग इंडिया से MBBS कर रहे हैं वो हमसे सुपीरियर हैं। ऑल्दो बहुत सारे स्टूडेंट्स या पेरेंट्स शायद ये बात एक्सेप्ट ना करें, बट ये एक माइंडसेट था कि दे आर सुपीरियर। अब वो माइंडसेट जो है वो ख़त्म हो जाएगा, चाहे आप अब्रॉड से कर रहे हैं, इंडिया से कर रहे हैं, सब सेम है, कोई सुपीरियर या इन्फीरियर नहीं है। दूसरी चीज़, जब आप अब्रॉड से करके आते थे तो आपके जो पीयर्स होते थे जिन्होंने इंडिया से MBBS करी होती थी, वो तो आपको यही कहते थे कि आपका इंडिया में नहीं हुआ तभी आप अब्रॉड चले गए। ये एक बहुत ही कॉमन बात थी जो मुझे बहुत स्टूडेंट्स ने कही थी कि वी हैव टू फेस दिस, कि इंडिया में आने के बाद या जब हम चूज़ करते हैं अब्रॉड को MBBS करने के लिए, तो हमारे जो पीयर्स हैं वो हमको ये कहते हैं कि आपसे नीट क्वालिफाई नहीं हुआ, क्लियर नहीं हुआ, इसलिए आपने अब्रॉड को चूज़ किया। बट नाउ इट इज़ सेम फॉर everyone, नो वन कैन से दिस टू यू, बिकॉज वापस आने के बाद आप भी वही टेस्ट दे रहे हैं इंडिया में, वो भी वही टेस्ट दे रहे हैं। अगर आप वो क्लियर करते हैं या फिर वो टेस्ट क्लियर करते हैं तभी आप एक डॉक्टर बन पाएंगे। तो किसी के बीच में कुछ डिफरेंस रह नहीं गया है, चाहे वो फिर इंडिया हो चाहे वो अब्रॉड हो, सबको वही एग्ज़ाम देना है और तभी आप एक सक्सेसफुल डॉक्टर बन सकते हैं, इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फ्यूचर के बारे में, आपके करियर के बारे में, अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को लगता है कि शायद जो लोग इंडिया से MBBS कर रहे हैं उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ या ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है, और आपका जो फ्यूचर है इट इज़ इन द डार्क। सो लेट मी टेल यू फ्रेंड्स दैट यू हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर विद MBBS अब्रॉड। चाहे वो करियर हो, अपॉर्चुनिटीज़ हो, यू आर गेटिंग द सेम अपॉर्चुनिटीज़, यू आर डबलिंग द चांसेस ऑफ योर करियर, क्योंकि चाहे आप अब्रॉड में सेटल होना चाहें तो हो सकते हैं, इंडिया में होना चाहें तो हो सकते हैं। यू आर गेटिंग द बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, यू आर गेटिंग अ बेटर लाइफ, यू आर बिकमिंग इंडिपेंडेंट एंड यू आर इम्प्रूविंग योर पर्सनैलिटी, जो शायद सब कुछ आप इंडिया में रहकर नहीं कर पाते। सो आई वुड से दैट यू आर गेटिंग अ बेटर फ्यूचर विद MBBS अब्रॉड। इफ़ यू ऑल्सो वॉन्ट टू गो फॉर MBBS अब्रॉड, यू कैन कॉल मी ऑन द गिवन नंबर्स बिलो। आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, आई मेक श्योर टू रिप्लाई टू ऑल ऑफ देम। एंड मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब इफ यू हैव नॉट डन दैट टिल नाउ।